तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करते समय अगर स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो माइक्रोसॉफ्ट उस वहां पर रेड या ब्लू साइन शो कर देता है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि ये रेड और ब्लू साइन ना शो करे, मतलब कि हम जो गलती करें उसमें कोई रेड या ब्लू साइन ना आए? जी हाँ, है तो ये ऑप्शन बिल्कुल, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस ऑप्शन को आप इनेबल ही रहने दीजिएगा, इसको जा करके वहाँ से डिसेबल मत करिएगा। फॉर अ टाइम बीइंग आप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन आपको बताता है कि कहाँ पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी और कहाँ पर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, तो ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे फिलहाल इसको हम डिसेबल कर सकते हैं, और मैं वहीं बताऊंगा कि आप कैसे इसको वापस से इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के एरर शो कर रहा है। ब्लू एरर जो है वो ग्रामर की एरर है, और जो रेड एरर है वो स्पेलिंग मिस्टेक की एरर है। तो अब अगर इसे हमें हटाना हो, वैसे तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसको मतलब इनेबल ही रहने दीजिएगा, क्योंकि एरर हमें बताती कि क्या गलती है, तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपको ये ऑप्शन हटाना है, मतलब कि आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ग्रामर की या स्पेलिंग की एरर ना दिखाए, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर फाइल में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइल का, ये रहा फाइल, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद नीचे जाइए ऑप्शन पे, ठीक है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन पे जो आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का विंडो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें जाना है तीसरे ऑप्शन पे, यानी कि प्रूफिंग पे, ये रहा प्रूफिंग। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रूफिंग के ऑप्शन रेड राइट हैंड साइड में आपको शो होने लगेंगे, ये सारे प्रूफिंग के ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमें जाना है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। पहला दो ऑप्शन हमें यहाँ पे अनचेक करना है, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, बस यहाँ से अनचेक करिए। उसके बाद जब आप नीचे बटन से ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ओके का बटन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओके का बटन शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई एरर यहाँ पर नहीं शो हो रही है, ठीक है। अगर वापस से आपको इनेबल करना है तो सिंपल फाइल पे जाइए, उसके बाद नीचे ऑप्शन पे जाइए, फिर प्रूफिंग पे जाइए, और यहाँ से वापस से चेक मार्क लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो वापस से एरर सारी शो होने लगेगी। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ग्रामर और स्पेलिंग चेक का जो ऑप्शन होता है उसको आप हटा सकते हैं।